Every year, this commemoration reminds us of the great sacrifices made by the generations of Pakistanis who have either campaigned for independence or fought for the country's existence since its foundation. The great fervor and excitement shown on the occasion should last throughout the year, and the spirit should be evident in every good move and take from the improvement of our beloved Pakistan. Faced with terrorism, we are a strong, brave, and magnificent nation that continues to go ahead. With 60% of the population being under the age of 30, the country is full with hope and optimism. Minorities, Pakistan's tremendous forces strive hard to turn things around with a feeling of responsibility. On this day, let us pledge to survive Pakistan with the power of wisdom and positivity. Long live Pakistan! इस साल हम 14 अगस्त को पाकिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तमाम अहलियान वतन को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तारीख के माजी में अगर हम झांकें तो तल्ख व हसीन यादों का एक सिलसिला है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि जब भी कोई अक़लियतों पर मुश्किल घड़ी आती है तो हुकूमत उनकी दाद रसी के लिए सामने आती है, पेश रहती है, जिससे उनके हौसले बुलंद होते हैं। यही वजह है कि यहाँ की अक़लियतें पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपने दीगर साथियों के साथ शाना बशाना हैं और हर फील्ड में अपनी कारकर्दगी का आला मुजाहरा कर रहे हैं। घर के खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तारीख हमें बताती है कि पाकिस्तान की तख्लीक अक़लियतों के हकूक की दाद रसी के लिए हुई थी। जब हम देखते हैं तो तारीख में ये पाते हैं कि दोनों साइड के वोट बराबर थे और एक अक़लियती वोट ने, जो कास्टिंग वोट था, उसने पाकिस्तान के क़याम की हक में फैसला दिया। गोया यहाँ की अक़लियत पाकिस्तान की तख्लीक में बराबर की शरीक है और यही वजह है कि वो यहाँ के तमाम मामलात में, सियासत, समाजी, सब में वो अपने आप को बराबर का शरीक समझते हैं और यहाँ पर खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हमारे आज़ादी का दिन है और 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और हमारी 11 अगस्त 1947 की जो कायदे आज़म की जो तकरीर है उसमें वाज़े तौर पे बताया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सारे आज़ाद हैं और अपने मंदिरों में जाके, अपनी इबादत गाहों में जाकर अपने जो है ना वो खुशी से, आज़ादी से जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आज़ाद मुल्क में आज़ाद फिजा से जी रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है। जो मुल्क आज़ाद नहीं है, जो ग़ुलाम है, उनके जीने का, और जो आज़ाद मुल्क है उनके जीने का एक और मज़ा है। तो हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं और आज़ादी से जी रहे हैं, हमें फ़ख्र है। On this Independence Day, my wish for Pakistan is that those colors of green and white be seen to represent courage, compassion and creativity in continuing to build Pakistan as a nation, the country that committed to the principles of Islam by promoting equality for minorities and opportunity for all, regardless of religion. Pakistan is a one nation under one unifying flag. A flag green represents harmony across caste, community and people.
hope for every segment and society, prosperity for the poor and rich. A flag white represents faith and purity of intention, thinking and action, peace and light, positivity in person and social lives. Those are my green and white wishes for Pakistan on this Independence Day. I realized that wishes do not make things come true, but people do. Happy Independence Day. पूरी पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी की तरफ से अहले वतन को 74वां जश्न आज़ादी मुबारक हो, मुबारक हो। इसका ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था और उसको पाया तकमील तेब का आयद मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुंचाया, और क्योंकि उनको पता था कि मिनॉरिटीज की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, इसलिए उन्होंने जब पहली अपनी कराची में स्पीच दी थी, उन्होंने अपना मौकफ, अपना पाकिस्तान की डायरेक्शन को क्लियर कट दे दिया था कि हमारी मिनॉरिटीज़ को भी वही राइट्स होंगे जो मेजॉरिटी को होंगे, वो भी अपनी मजहबी इबादत गाहों में जाने के लिए उतनी आज़ाद होंगे जितनी मेजॉरिटी होगी। तो उस विजन को आगे बढ़ाते हुए उसमें लियाकत अली खान साहब ने भी उनका भरपूर साथ दिया और उसी को साथ लेके चले, और आज हम मिनॉरिटी माशाल्लाह तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ यहाँ मौजूद हैं, जो अपने मुल्क के शाना बशाना तरक्की में उनके साथ खड़े हैं, और हम पूरी दुनिया को एक इंटरफेथ और हारमोनी का एक काबिल अमल जो है पैगाम देना चाह रहे हैं और उनको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की मिनॉरिटी भी उतनी सेफ एंड सिक्योर है जितनी मेजॉरिटी है। बाकी चंद वाकयात जो शरपसंद अनासर हमेशा अपनी इंटरफेथ हारमोनी को ख़राब करने के लिए लगे रहते हैं, मगर हम उनको बताना चाहते हैं कि हम न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, न ये मुल्क छोड़ने वाले हैं। हमारा मुल्क है और हम इसी में रहेंगे, और उसके लिए एक छोटा सा मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मदहोश नहीं हैं, बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम, समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हम भी हैं। रवि डावानी, आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत से, वंस अगेन पूरी पाकिस्तान को हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। माय कंट्री पाकिस्तान इज आवर मदरलैंड एंड आई एडोर इट। सिंपली स्टेटिंग आई लव पाकिस्तान इज इनसफिशिएंट। वी मस्ट डेमोंस्ट्रेट आवर पेट्रियोटिज्म बाय आवर एक्ट एंड डीड्स। अ नेशन नीड जेन्युइन अफेक्शन फ्रॉम इट्स सिटीजन। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, सिंसियरिटी, कमिटमेंट एंड फिडेलिटी लीड टू ग्रेटर अकम्प्लिशमेंट and a bright future. Happy Independence Day, Pakistan, Zindabad. The 14th of August is a date that evokes all of the memories and sacrifices that led to our freedom. To reach up to the high skies, we as a nation must work hard and demonstrate devotion and loyalty. Our youth has to play a vital role and must believe in solidarity and integrity. It is only then possible to move on with our heads held high.